आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या सच में काम करती है? रहस्य की दुनिया का सच क्या है और क्या इसके परिणाम मन मुताबिक मिलते हैं? आकर्षण का नियम की दुनिया विश्वास पर काम करती है। आप जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे या विश्वास करेंगे या कर्तव्य में भरेंगे, उतना ही जल्द आकर्षण का नियम काम करेगा, ऐसा बताया जाता है। तो क्या फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं? दोस्तों, क्या अपने आप चीज़ें घटित हो जाएंगी? क्या यह एक मिसकंसेप्शन है? अगर ऐसा ही होता तो ईश्वर ने, अस्तित्व ने, लॉ ऑफ आकर्षण के नियम ने पहले से क्यों नहीं हर चीज़ मौजूद रखी? क्यों वह प्रकट करने की ज़रूरत पड़ गई? सीक्रेट या आकर्षण का नियम, इस तरह के कई वीडियो आए दिन देखने मिल रहे हैं। इनमें कितना सच है? अगर ऐसा ही है तो हमारे देश में गरीबी क्यों है? क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम काम करता है, या फिर यह सिद्धांत सिर्फ एक सिद्धांत है या कुछ सच भी है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे कुछ पहलू पर ध्यान देते हैं। सक्सेसफुल लोगों की तो कई कहानी है जो सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई जा रही है, लेकिन सक्सेसफुल होने तक या सक्सेसफुल होने से पहले की कहानी, उनके निराशा की, उनके दुख की, उनके गिरने की, उनके क्रोध की, उनकी चिंताओं की, या उनकी हर तरह की वो मनोदशा जो उन्हें असफल बना रही थी, इस बारे में क्या कोई चर्चा करता है? नहीं करता। अगर उनकी असफलताओं के बारे में जिक्र भी होता है तो बड़े सकारात्मक ढंग से पेश कर दिया जाता है, लेकिन कितनी बार ये लोग असफल हुए यह नहीं दिखाया जाता। कितनी बार सफल लोग गिरे हैं और फिर उठे हैं, कोई नहीं बात करता। हर कोई उगते हुए सूरज को ही नमन करता है। जैसे नेपोलियन हिल्स थिंक एंड ग्रो रिच, इस तरह की किताबें ढेरों मिल जाएंगी। सफल लोगों की सफलता के पीछे न जाने कितने आंसू बहे हैं, कितनी निराशाएं मिली हैं, उनके मन में कितनी चिंताएं पकड़ी हैं, यह कोई नहीं बताता। या फिर इन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह नियम फॉलो किया और तुरंत ही कुछ चमत्कार घटित हो गया। इतने दिनों में यह कर लो वो मिल जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, इस तरह की बेबुनियाद वीडियो सर्कुलेट होती रहती हैं। इन बातों में कितना सच है, आगे समझते हैं, आगे विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, यह ध्यान में रखते हुए हम कुछ अच्छे से समझते हैं। कई सालों पुरानी बात है, एक जापान के किसी गांव में, उस गांव के एक जंगल में बड़ा विद्वान आदमी रहता था, जो ध्यान के गहरे से गहरे रहस्य जानता था और जीवन के भी कई रहस्यों से वह वाकिफ था। एक जिज्ञासु, एक युवक उस विद्वान के पास आता है और अपनी जीवन की तमाम कठिनाइयां से जूझ रहा होता है, वह उन्हें बताता है। तो वह युवक गुरुजी से पूछता है कि मैं अपने जीवन को कैसे समृद्ध करूं, अत्यंत कठिन परिश्रम करके मैं थक चुका हूं। गुरुजी उसे एक आसन देते हैं और कहते हैं, बैठ जाएं और मेरी कुछ बातें बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। जीवन का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि ये 6 बातें अगर तुमने अपने जीवन में अपना ली तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, या फिर तुम जो चाहते हो उसे पाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। गुरुजी युवक को पहला स्टेप बताते हैं, तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति आपकी स्वयं की शक्ति है, आपकी संकल्प शक्ति, जिसे विल पावर भी कहते हैं। संकल्प का अर्थ है जो भी आपने ठान लिया, जो भी आपने डिसाइड कर लिया या निर्णय ले लिया कि मैं वह करके ही रहूँगा, इसे ही हम संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति कहते हैं। उस निर्णय में, उस संकल्प में अपनी सारी जीवन ऊर्जा लगा देना ही इच्छा शक्ति है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसने यह डिसाइड किया कि वह एग्ज़ाम में सफल होकर ही रहेगा या फिर मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा। एक निर्णय, कोई भी डिसीजन कर लेना कि मैं यह करके ही रहूँगा, इसे ही संकल्प लेना कहते हैं। कोई भी एक दिशा में अपनी पूरी ऊर्जा उड़ेल देना या डिसीजन जब तक के पूरे अंतरतम तक प्राणों से नहीं आता, तब तक आप सफल नहीं हो सकते।
अगर आज एक दिन आपने कुछ डिसाइड कर लिया और अगले ही दिन कुछ और डिसाइड कर लिया और उसके अगले दिन कुछ और ही डिसाइड कर लिया, तो यह कमजोर संकल्प शक्ति की निशानी है। संकल्प का अर्थ एक डिसीजन, एक निर्णय। जो निर्णय ले लिया वह ले लिया, जब तक कि वह निर्णय पूरा नहीं होता तब तक उसमें आप डटे रहेंगे। अगर तुमने अपने मन में एक छोटा सा भी ऑप्शन रखा कि अगर यह न हुआ तो कुछ और कर लेंगे, अगर वो भी नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, तो ये संकल्पहीनता के लक्षण हैं। तो आप ज़्यादा कुछ जीवन में नहीं कर पाएंगे। अपनी सारी जीवन ऊर्जा, अपनी सारी शक्ति कोई भी एक विषय, कोई भी एक इच्छा में समग्रता से लगा देना, उसे ही एकाग्रता कहते हैं। आगे गुरुजी समझाते हैं, इच्छा अर्थात आप जो भी चाहते हैं, जैसे जीवन में सफलता, धन, प्रेम, समृद्धि, जिस भी दिशा में आप अपनी ऊर्जा लगाएंगे वही आपके समक्ष प्रकट होने लग जाएगा। एक और उदाहरण से गुरुजी समझाते हैं, मान ले अगर किसी को हिमालय की चोटी में चढ़ना है तो उसके पास इच्छा तो है और उसका शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। इच्छा के साथ आपके पास शक्ति, ऊर्जा होना अत्यंत अनिवार्य है, और शक्ति आती है सही भोजन, सही एक्सरसाइज से, सही नींद लेने से। गुरुजी और गहरे से समझाते हैं, हमारा मन कई अलग अलग संकल्प और कई इच्छाओं में बटा हुआ है। सबसे बड़ा कारण हमारी असफलता का यही है कि कोई एक दिशा में निर्णय न कर पाना। अगर आपके मन में एक समय पर एक से अधिक इच्छाएं होंगी तो आपकी इच्छा की जो शक्ति है वह विभिन्न पहलुओं में बटकर रह जाएंगी और अटक जाएगी। आप कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपकी संकल्प शक्ति बढ़ाते जाएं और अपनी इच्छाएं कम से कम करते चले जाएं, तो आपके अंदर अत्यंत ऊर्जा का विकास होगा और आप अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अधिक सक्षम हो जाएंगे, और ऐसे में सही मार्ग भी आसानी से मिलता चला जाता है। युवक गुरुजी से पूछता है, असफलता का मुख्य कारण क्या है? गुरुजी कहते हैं, अत्यधिक इच्छाएं होना आपकी मन की ऊर्जा का, आपकी संकल्प शक्ति का कई इच्छाओं में विभाजित हो जाना असफलता का मुख्य कारण है। हमेशा एक समय पर एक ही इच्छा पर प्रयासरत होना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले। अपनी सूझबूझ और अपनी समझ को ध्यान में रखते हुए जब भी फैसला करें उस पर अटूट और अडिग रहें। साथ में अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए संकल्प लें। अगर किसी भी तरह की शारीरिक और मानसिक कमजोरी है तो पहले उस कमी को इम्प्रूव कर लें, उसे हटा लें। पहला स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस युवक से कहते हैं कि अपना विल पावर, संकल्प शक्ति का होना अनिवार्य तत्व है। अब दूसरा स्टेप गुरुजी बताते हैं, कड़ी मेहनत। आपने जो भी निर्णय लिया है, जो भी संकल्प लिया है, उस दिशा में कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत का मतलब 100% आप अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का उपयोग करें। कड़ी मेहनत के बाद जब भी असफलता हाथ लगे तो घबराने की बजाय आप उसमें अपनी कमियां ढूंढना शुरू कर दें कि किस कारण असफलता मिली है। अगर आपने अपनी कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया और कमजोरी को इम्प्रूव नहीं किया तो आप सफलता से हमेशा चूकते चले जाएंगे। जैसे आप यदि कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो कोई ना कोई नेगेटिव साइड खोजते जाएं और इम्प्रूव करते चले जाएं। मान लो अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसकी इंग्लिश कमज़ोर है और उसका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और उसने इम्प्रूव नहीं किया, तो उसके असफलता का 100% चांस बन जाता है, भले ही वह बाकी सब्जेक्ट में कितना ही मास्टर माइंड हो। एक छोटा सा होल पूरे जहाज को डुबा सकता है। अब गुरुजी उसे तीसरा स्टेप कहते हैं, विश्वास और अंधविश्वास का पहलू समझते हैं। जहाँ अंधविश्वास की दुनिया है तो श्रद्धा की भी एक दुनिया है। अंधविश्वासी की धारणाएं भी कई बार सच हो जाती हैं।
उसका यकीन दूसरों पर ज़्यादा होता है। जो अंधविश्वासी चित्त है वह अक्सर दूसरों पर भरोसा करता है, वह मान्यता पर यकीन करता है। कोई कहीं कोई भगवान, कहीं कोई पंडित बाबा जैसा वह चाहते हैं वह पूरा कर देंगे। ऐसी चित्त दशा का यकीन खुद पर कम, दूसरों पर ज़्यादा होता है। ऐसी चित्त दशा वाले बहुत ज़्यादा प्रौढ़ विवेक बुद्धि के नहीं होते और न ही वह दुनिया में कुछ बड़ा कर गुजरने का साहस रखते हैं। उनकी सूझबूझ विकसित नहीं हो पाती, वह बचकाने ही रह जाते हैं या खुद कुछ भी नहीं करना चाहते, दूसरा उनके लिए कुछ कर दे या कोई चमत्कार हो जाए, या भाग्य के भरोसे में बैठने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोगों में गहरे तल तक बात बैठ जाती है, खुद से कुछ नहीं होने वाला, कोई और चमत्कार भगवान कर देगा। जिसने दूसरों पर यकीन किया, या तो उसका अपने पे यकीन नहीं होगा या वह मेहनत करने से डरता होगा, कुछ खास नहीं कर पाएगा। आगे गुरुजी कहते हैं, अस्तित्व पर श्रद्धा और स्वयं पे श्रद्धा के लिए गहरे विचार विमर्श संध्या से गुजरना होता है, गहरी पीड़ा से गुजरना होता है, तभी विवेक प्रज्ञा का विकास होता है। यह हर कोई के लिए संभव नहीं है। श्रद्धा एक बहुत ही अलग भावना है जो स्वयं की मेहनत, संकल्प शक्ति और उच्च विचारों से पैदा होती है, खुद के निर्णय के अच्छे बुरे परिणामों से आती है। श्रद्धा स्वयं के विचार विमर्श विवेक से उत्पन्न हुई एक भावना है जो शुरुआत में तो कई संदेह पैदा करती है, लेकिन जो संदेह पूर्ण नहीं हुआ कभी पूर्ण श्रद्धा को उपलब्ध नहीं हो सकता। और जो विचारवान नहीं है, विचारशील नहीं है, जिनके अंदर बुद्धि विवेक नहीं है, वह कभी भी संदेह नहीं करते, उनकी फिर कोई यात्रा शुरू भी नहीं होती। पूर्ण श्रद्धा प्राप्त करने के लिए संदेह करना पहली सीढ़ी है, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की होती है जो विराट श्रद्धा को, विश्वास को, सृजनात्मक ऊर्जा को उपलब्ध होते हैं। आकर्षण का नियम आपको आप पर विश्वास करना सिखाता है। जो भी सफल हुए, क्या उन्हें आकर्षण का नियम पता था? इसके बावजूद भी सफल लोग अपनी प्रगाढ़ संकल्प शक्ति और निरंतर कड़ी मेहनत के कारण सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे असली रहस्य तो सिर्फ यही है, उनके भीतर की प्रगाढ़ संकल्प शक्ति और निरंतर कड़ी मेहनत और स्वयं पर विश्वास करना नियत था। आगे गुरुजी चौथा स्टेप समझाते हैं, आपकी कल्पना शक्ति। यह कल्पना शक्ति का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप जो भी डिसाइड किया है उसे इमेजिन करना शुरू कर दें। कहा जाता है आप जो भी चाहो पूरी कायनात उसे पाने के लिए साजिश रचती है। ये कैसे होता है? आपकी संकल्प शक्ति से ज़्यादा गहरी आपकी कल्पना शक्ति होती है, क्योंकि आपकी चेतन का विराट हिस्सा अचेतन जो अप्रकट है वह है, वह सोते वक्त जागता है और निरंतर कार्यरत होता है। जो भी आप दिन भर सोचते हैं, देखते हैं, वह अवचेतन में चला जाता है, सोते वक्त दोहराता रहता है। इसलिए रात को सोते वक्त अच्छे विचार रखकर सोना चाहिए, ऐसे संत महात्मा कहते हैं। कल्पना शक्ति आपकी इच्छा शक्ति पर हमेशा हावी होंगी। अगर आपने अपनी कल्पना में कुछ इमेजिनेशन में होते हुए देखा तो आप फिर कोई भी इच्छा कर लें, घटित तो वही होगा जो आपकी कल्पना में है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि इच्छा शक्ति की सीमा है, लेकिन कल्पना शक्ति की कोई सीमा नहीं है। कल्पना शक्ति में विराट शक्ति समाहित होती है। अगर इच्छा शक्ति में 1% या 1 गुना शक्ति लगती है तो संकल्पना शक्ति में 10 गुना ज़्यादा शक्ति काम करती है। इसीलिए अगर आप अपनी इच्छा शक्ति में कल्पना शक्ति मिला दो तो आपकी सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यही सबकॉन्शियस नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, इसलिए लोग हर कोई इसे इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन असल में यह अवचेतन का ही नियम है, समस्त अस्तित्व का यही नियम है। जो सफल हो जाते हैं या कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा होता है और उनके अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस मन में कुछ और चल रहा होता है, इसलिए सबसे गहरा असफलता का असल कारण यही होता है। आगे गुरुजी कहते हैं, कल्पना शक्ति का उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं, आप जो भी डिसाइड करते हैं
उसे रात को सोते समय इमेजिन करें कि वह हो चुका है, रात को अपनी इच्छा दोहराते दोहराते सो जाएं। जो आप पाना चाहते हैं उसे साफ सुथरे तरीके से कल्पना देखें कि वह हो चुका है। अब आप अपनी कल्पना शक्ति के साथ आस्था को जोड़ दें। कल्पना शक्ति के साथ साथ आप अपनी आस्था विश्वास की शक्ति जोड़ दें कि यह हो चुका है। पूरी विश्वास कर लें 100% कि जो आप चाहते हैं वो हो चुका है। विश्वास करने से आपके दिमाग में मन में चिंता भय डर समाप्त हो जाता है, बेफिजूल विचार संदेह समाप्त हो जाता है। विश्वास की शक्ति से आपका अवचेतन मन आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों मिल जाए तो वह प्रगाढ़ संकल्प बन जाता है और वह होकर ही रहता है। गुरुजी अगला 5वां स्टेप समझाते हैं कि हमेशा ग्रैटिट्यूड में जिएं। वर्तमान क्षण में हर एक चीज के प्रति धन्यवाद प्रकट करें। अपने कार्य को करते वक्त उसे एंजॉय करें, आनंदपूर्ण होकर कार्य करें। अगर आपको अपना कार्य करते वक्त आनंद महसूस नहीं होता तो कृपया अपना कार्य बदल दें। तब तक आप लाख कोशिश कर लें जब तक सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि मन में एक अलग सा स्ट्रेस चिंता पकड़ लेती है। अगर हम जिस कार्य में आनंद ले रहे हैं इंटरेस्ट आ रहा है वह कार्य बहुत कम समय में बहुत जल्दी सफलता की ओर बढ़ जाता है और बहुत जल्दी वह कार्य पूर्ण हो जाता है। एक बार अपना दृढ़ संकल्प लेने के बाद वर्तमान में जीना सीखें और आपके पास जो भी वर्तमान में मौजूद है उसके प्रति आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें। अगर आपने हर वक्त शिकायत और कमी की भावना महसूस की तो आपके सबकॉन्शियस में वैसी ही चीज़ें आकर्षित करके आपके सामने रख देगा और आप जिंदगी भर शिकायत ही करते रह जाएंगे। अपने वर्तमान समय में हर एक चीज़ की लिस्ट बनाएं और धन्यवाद प्रकट करें। धन्यवाद प्रकट करने से आप शिकायत से कोसों दूर होते जाएंगे और धीरे धीरे आप उस चीज़ों के करीब आते जाएंगे और जो ज़्यादा और अच्छी चीज़ें आपके पास आकर्षित आप करने लगोगे। किसी कारणवश आपको लगातार असफलता मिल रही है तो आप चेक करें अपने करने के तरीके के तरफ ध्यान दें कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको सफलता नहीं मिल रही। कई बार अत्यधिक प्रयास करना, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करना, बिना सूझबूझ के मेहनत करना भी आपको असफलता की ओर धकेल देता है। अगर आपने कई सालों से निरंतर किसी चीज़ के प्रति कोशिश की है और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है तो अपनी असफलता को पूरे दिल से स्वीकार कर लीजिए। कई बार अपनी असफलता स्वीकार करने से भी क्रांति घट जाती है और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। शायद आपके लिए अस्तित्व ने कुछ और बड़ा सोच रखा है इसलिए वह घटित नहीं हो रहा हो जो आप चाहते हैं। कई दफ़ा निर्णय अस्तित्व पर भी छोड़ने पड़ते हैं। जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना बचा हो तब सारे निर्णय अस्तित्व के ऊपर छोड़ दीजिए। बुद्ध भगवान के निरंतर 7 साल प्रयास करने के बाद जिस रात्रि उन्हें आत्मज्ञान उपलब्ध हुआ उन्होंने सब प्रयास सारी कोशिशें छोड़ दी थी, सारे संकल्प त्याग दिए थे। गुरुजी कहते हैं अब इस बात का यह अर्थ नहीं है कि आप कोशिश ही ना करें मेहनत ही ना करें, लेकिन बुद्ध भगवान ने शुरुआत में पूरे 7 साल अत्यधिक कड़ी परिश्रम और प्रयासों के बाद यह अवस्था निर्मित हुई। अपने प्रयास को छोड़ना उनका मुमकिन हुआ था। जब मन अपने आप प्रयास रहित हो जाता है, मन के पास करने का कुछ शेष नहीं रह जाता, तब भी कई बार क्रांति घटित हो जाती है। अब गुरुजी आखिरी स्टेप बताते हैं, सकारात्मक सोच अपनाइए। अपने आसपास के नकारात्मक माहौल, लोग, दोस्त, घर के परिवार में अगर कोई भी सदस्य है तुरंत साथ छोड़ दें, तुरंत उन्हें अलविदा कह दें, क्योंकि ना जीवन में वो कुछ कर पाते हैं और अगर आप करने भी लगे हैं तो आपको भी खुद कुछ नहीं करने देंगे। नकारात्मक माहौल बहुत बुरी तरह से निराशा, अवसाद, दुख, पीड़ा लेकर आता है और जो मन में भावना है वही भावना आपकी आकर्षित होती चली जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। इस तरह गुरुजी ने युवक को 6 स्टेप्स बताई। पहली स्टेप, धन्यवाद दें, वर्तमान में जिएं। दूसरी स्टेप, संकल्प शक्ति को बढ़ाएं और अपना डिसीजन लें। तीसरी स्टेप, पूरे जोश और होश से कड़ी मेहनत करें। चौथी स्टेप, रोज रात्रि कल्पना शक्ति का उपयोग करें।
पांचवी स्टेप स्वयं पर विश्वास और अस्तित्व पर आस्था रखें। छठी स्टेप नकारात्मक संगत को तुरंत अलविदा कह दें। इस तरह गुरुजी ने उस युवक को जीवन में सफल होने का तरीका समझाया। दोस्तों, हर चीज़ का समय निर्धारित है, हर चीज़ अपने समय पर सुनिश्चित होती है। अभी सोचा और अभी प्रकट हो जाएंगी यह धारणा है, यह नकारात्मक धारणा मात्र है। दोस्तों, आपको अगर जो भी हासिल करना है, जो भी अपनी ज़िंदगी में पाना है, उसके लिए आपको तन मन धन से 100% आपको इन्वॉल्व होना होगा, तभी जीवन में जो आपने सोचा है उसे अचीव कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारी असफलता का है कि जो भी हम संकल्प निर्णय लेते हैं वह हमारी कल्पना में नहीं होता, और जो हमारी कल्पना में जो कुछ भी होता है वह हम संकल्प नहीं लेते, इसलिए हम असफलता का शिकार हो जाते हैं। जिसे आप आकर्षण का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, उसे ही गए बीते जमाने में संकल्प शक्ति या कल्पना शक्ति का उपयोग करना कहते थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कितनी अपार मेहनत और निर्धारित संकल्प करने के बाद 60 साल में PM बने। ऐसे लोगों में सबसे खास बात ये होती है कि ऐसे लोगों के जीवन में दूसरा ऑप्शन नहीं रखते, जैसे यह नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और, इस तरह के ऑप्शन नहीं रखते। जिन्होंने अपार मेहनत की, जिनका पॉजिटिव विराट संकल्प शक्ति रही होगी, वही अंत में सफल नजर आए। लेकिन कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के बाद ही उस मुकाम तक लोग पहुंचे हैं जिसे आज हर कोई चर्चा करते हैं। सबकी नज़र में सक्सेस का मतलब बस यही है, लग्जरी लाइफस्टाइल, 2-4 कोठियां, 2-4 कारें। सक्सेस सफलता का यह अर्थ निकाला जाता है जिनके पास यह सब मौजूद हो। कृपया उनसे अवश्य मिलें और पूछ लें कि क्या आप संतुष्ट और आनंदित हैं, क्योंकि कुछ पाने की कोशिश जो हमारे पास नहीं है, अत्यधिक समय उस संघर्ष में व्यतीत हो जाता है, खर्च हो जाता है और हम जी नहीं पाते, समय बीत जाता है। असल में जीवन में जो जितना ज़्यादा अधिक संतुष्ट और आनंदित होगा या वर्तमान में जिएंगे, वही अपनी लाइफ संतुलित रूप से जिया होगा और वही सफलता का मापदंड होना चाहिए। जीवन में अत्यधिक कमियां और गरीबी इंसान को संघर्ष के लिए मजबूर कर देती है। गरीबी में, कमियों में, मन में से अच्छा कोशिश करके कोशिश में जीना ज़्यादा सुकूनमय है। दोस्तों, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि तुरंत कुछ हासिल हो जाएगा, तो यह सरासर गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने सारे मुद्दे प्रस्तुत किए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम हमारे अस्तित्व का नियम है और यह पूरी 100% सत्य घटना है। लेकिन जिस तरीके से YouTube में दिखाया जा रहा कि रातों रात करोड़पति बन जाए, रातों रात अमीर बन जाए, तो यह सरासर अफवाह फैलाई जा रही है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया इससे सावधान रहें। सकारात्मक सोच रखें और पॉजिटिव कल्पनाएं देखें और कड़ी मेहनत करें। कड़ी मेहनत करना अनिवार्य अंग है। YouTube सोशल मीडिया एक इंफॉर्मेशन की जगह एक प्रोफेशनल हथियार बना दिया गया है। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में अत्यधिक समय लोग YouTube में बिताते हैं। इसी के चलते जिस तरह चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो आप लोग देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है, जरा सोचिए, समझिए, फिर अमल कीजिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।